सोनिया गांधी के पीए पर लगा रेप का आरोप। महिला ने दिल्ली पुलिस को बताई आप बीती। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन पर गंभीर आरोप लगा है। एक महिला ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि माधवन ने उसके साथ रेप का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद माधवन को पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाना पड़ा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पीपी माधवन ने कहा है कि झूठे आरोपों का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिशोध से उनकी छवि को खराब करना है। पुलिस के अनुसार महिला ने आरोप लगाया है कि अभियुक्त ने नौकरी दिलाने का झांसा दिया और शादी का वादा किया। अधिकारी ने बताया कि अभियुक्त ने महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म किया और किसी को इस बारे में बताने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। द्वारका के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने कहा, उत्तम नगर थाने में 25 जून को एक शिकायत मिली थी। आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म और 506 आपराधिक धमकी के तहत एक मामला दर्ज किया गया। हम मामले की जाँच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस 71 साल के आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है, जो एक वरिष्ठ नेता के निजी सचिव के तौर पर काम करते हैं। हालांकि उपायुक्त ने नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि माधवन के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर के अनुसार महिला ने कहा था कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह कांग्रेस कार्यालय गई, जहाँ से उन्हें माधवन का फोन नंबर मिला था। महिला ने अपनी शिकायत में कहा, मैंने उनसे कहा कि मुझे नौकरी की जरूरत है और उन्होंने मेरी मदद का वादा किया। 21 जनवरी 2022 को उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। मेरे सभी दस्तावेज देखने के बाद उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे और फिर कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने हाँ कह दिया और एक दिन उन्होंने मुझे फिर मिलने के लिए बुलाया। महिला ने कहा, वह मुझे कार में लेने आए और चालक से कार वहीं छोड़कर जाने के लिए कहा। उन्होंने मेरा यौन शोषण किया और मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब मैंने इस बात पर आपत्ति जताई तो वह नाराज हो गए और मुझे सड़क पर अकेला छोड़ दिया। अधिकारियों ने कहा कि महिला दिल्ली में रहती है और उसके पति की 2020 में मृत्यु हो गई थी। मामले पर पीपी माधवन ने कहा कि वो 25 जून को उत्तम नगर थाने एसएचओ के सामने पेश हुए थे और अपना स्पष्टीकरण दे दिया था, जिसके बाद उन्हें जाने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा, मेरे पास यह दिखाने और साबित करने के लिए सबूत है कि शिकायत राजनीतिक प्रतिशोध के चलते की गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस जाँच कर रही है और अगर आरोप सही पाए गए तो सोनिया गांधी के पीए की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।